नमस्कार। शुरुआत जी निश्चित उपस्थिति में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अनानास कितना फायदेमंद है आपके शरीर के लिए और उसके खाने से आप किन किन छोटी मोटी बीमारियों से दूर कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको अजीर्ण या अपच की शिकायत है तो आप एक पके हुए अनानास के बारीक टुकड़ों को सेंधा नमक और काली मिर्च लगाकर खाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके अजीर्ण जो हैं वो दूर हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। पके अनानास में 100 मिलीमीटर रस में, जी हाँ, पके अनानास का 100 मिलीमीटर अगर रस और 1-2 पीस अंगूर और लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग सेंधा नमक, इन्हें मिलाकर खाने से भी आपको अजीर्ण की समस्या से छुटकारा मिलता है। अनानास और खजूर के टुकड़े बराबर बराबर लेकर उसमें घी और शहद मिलाकर कांच के बर्तन में भरकर रखते हैं। इसे नित्य 6 से 12 ग्राम अगर आप लेते हैं, खाते हैं, तो बहुमूत्र रोग दूर होता है और आपकी शक्ति को बढ़ाता है। अनानास और खजूर के टुकड़ों को बराबर बराबर लेकर उसमें घी और शहद मिलाकर कांच के बर्तन में भरकर रख लें और फिर इसे रोज 6 से 12 ग्राम अगर आप इसे खाते हैं, जी हां, अगर आप 6 से 12 ग्राम इसे खाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इसको तंदुरुस्त रहेंगे और आपका जो बहुमूत्र की समस्या है, बार बार पेशाब आने की जो समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी शक्ति बढ़ेगी। पेट पर बाल चले जाने पर, जी हाँ, पेट में बाल चले जाने पर अगर गलती से आपके पेट में बाल चढ़ा गया है तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पका हुआ अनानास खाने से पेट में बाल चले जाने से उत्पन्न हुई पीड़ा खत्म हो जाती है। पके अनानास के छिले हुए टुकड़ों पर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाने से खाया हुआ बाल, कांटा या कांच पेट में गल जाता है। देखिए कितनी कमाल की चीज है कि अगर कोई गलती से किसी के पेट में कोई कांच का टुकड़ा चला गया है या कोई कांटा चला गया है या कोई बाल चला गया है जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको गलाने के लिए बहुत छोटा सा आयुर्वेदिक नुस्खा है कि आप अनानास के छिले हुए टुकड़ों पर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाएं। इससे उसका वो चीज जो है वो गल जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएगी। अब आपको हम बताते हैं कि अगर किसी को बार बार पेशाब आता है, पके हुए अनानास को काटकर उसमें काली मिर्च का चूर्ण और चीनी मिलाकर खानी चाहिए तो आपको बहुमूत्र आने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, और अनानास के टुकड़ों पर पीपर का चूर्ण डालकर खाने से बहुमूत्र के विकार में आपको बहुत लाभ मिलता है। अनानास का मुरब्बा भी आप बना सकते हैं, जी हाँ, अनानास का मुरब्बा जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पके हुए अनानास के ऊपर का छिलका और बीच का सख्त हिस्सा निकाल लें, उसके बाद फल के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको ये मान के चलिए कि छोटे छोटे आपने टुकड़े किए हैं तो उसके बाद क्या है, टुकड़े करने के बाद चूने के पानी में रखें। जी हाँ, चूने के पानी में रखने बहुत जरूरी है। मतलब 1 दिन तक आप उसको चूने के पानी में रखेंगे तो फिर उसके बाद आप उसको चूने के पानी से बाहर निकाल लें और उसको सुखा दें। उसके बाद चीनी की चाशनी बनाकर अनानास के टुकड़े उसमें डाल दें, उसके बाद उसे नीचे उतार लें, ठंडा होने पर उसमें थोड़ी सी इलायची पीसकर और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर उसका मुरब्बा तैयार कर लें और वो मुरब्बा जो है पीत शमन का नाशक है, उसको दूर करता है और आपके मन को प्रसन्न करता है। रोहिणी या कंठ रोहिणी, अनानास का रस रोहिणी की झिल्ली को काट देता है, गले को साफ रखता है। इसकी ये प्रमुख प्राकृतिक औषधि अनानास में पेप्सिन पित्त का एक प्रधान अंश होता है जिससे गले की खराश में लाभ मिलता है। देखिए कितनी कमाल की चीज है, सूजन में कितना फायदेमंद है।
अगर आपको शरीर में सूजन के साथ पेशाब कम आता है तो ये मान के चलिए कि एल्ब्यूमिन मूत्र के साथ जाता हो, मंदाग्नि हो आंखों के आसपास और चेहरे पर विशेष सूजन हो, तो ऐसी दशा में नित्य प्रति अनानास खाएं और खाने में सिर्फ दूध पर रहें तो 3 सप्ताह में आपको लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, अनानास का रस पीने से 7 दिनों में शारीरिक सूजन खत्म हो जाती है। शक्तिवर्धक बहुत है, बहुत शक्तिवर्धक है। आप ये मानिए कि अनानास घबराहट को दूर करता है, प्यास कम करता है, शरीर को पुष्ट करता है, तरावट देता है, खांसी जुखाम नहीं होने देता, दिमाग को ताकत देता है, आपके शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखता है और गर्मी के अंदर अनानास का शरबत पीने से आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, आपकी प्यास बुझती है, पेट की गर्मी शांत होती है और सबसे अच्छी बात की पेशाब खुलकर आता है। पथरी में ये बहुत ही लाभकारी है। जी हाँ, मोटापा होने पर देखिए कितनी कमाल की चीज है। मोटापा होने पर अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आप प्रतिदिन अनानास खाने से स्थूलता नष्ट होती है, क्योंकि अनानास वसा को नष्ट करता है, चर्बी को नष्ट करता है। खून की अगर कमी है आपके शरीर में तो आप अनानास का रस पिएंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर गुर्दे की पथरी है अगर आपको, तो अनानास का रस या अनानास खाएंगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा और पथरी जो है निकल कर बाहर आ जाएगी। सॉरी, अनानास के रस में ये मान के चले कि अनानास के रस से स्मरण शक्ति बढ़ती है। और हाँ, कि अगर किसी को खांसी या श्वास रोग है तो श्वास रोग में अनानास फल के रस में छोटी कटेरी की जड़, आंवला और जीरे का संभाग चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करें तो आपको डेफिनेटली उसमें आराम मिलेगा। अनानास के रस में मुलेठी, बहेड़ा और मिश्री मिलाकर सेवन करने से भी आपको खांसी में और उसमें आराम मिलता है। देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कमाल की चीज, मधुमेह शुगर। अनानास मधुमेह में बहुत लाभकारी है। अनानास के 100 मिलीलीटर रस में तिल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, गोखरू और आप ये मान के चलिए कि गोखरू के साथ जामुन के बीजों का चूर्ण 10-10 ग्राम मिला ले। अनानास मधुमेह में बहुत लाभकारी है। अनानास के अंदर 100 मिलीलीटर रस में तिल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, गोखरू और जामुन के बीजों का चूर्ण 10-10 ग्राम मिला दें और सूखने पर इसका पाउडर बना लें। सुबह शाम 3 ग्राम की मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो आपका बहुमूत्रीय रोग ठीक हो जाता है, बशर्त कि आपको भोजन में दूध व चावल लेना और खटाई और नमक से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। तो कितना फायदेमंद है ये सोचिए आप, कि ये इस तरह की चीजें हैं कि जो आपको नुकसान नहीं देती, आपके लिए फायदा देती है और मधुमेह में आपको आराम देती है। पीलिया में अनानास के पके फलों के 10 मिलीलीटर रस में अगर आप हल्दी चूर्ण 2 ग्राम और मिश्री 3 ग्राम मिलाकर सेवन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप पीलिया रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अनानास का रस पीलिया रोग को भी दूर करता है। और मेरी महिलाओं, बहनों, माताओं के लिए कि अनानास के कच्चे फलों में मासिक धर्म में अगर आपको कोई रुकावट है तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अनानास के कच्चे फलों के 10 मिलीलीटर रस में पीपल की छाल का चूर्ण और गुड़ 1-1 ग्राम मिलाकर सेवन करने से आपकी मासिक धर्म की जो रुकावट है उसके अंदर आपको फायदा मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। और एक और नुस्खा है कि अनानास के पत्तों का काढ़ा लगभग 40 से 60 मिलीमीटर पीने से भी मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है। और अगर किसी को बुखार की शिकायत है तो आप ये मान के चलिए कि 20 मिलीमीटर रस में शहद मिलाकर पिलाने से पसीना आता है, मूत्र खुलकर आता है और उसका बुखार जो है कम हो जाता है।
कब्ज की शिकायत में। अनानास के कच्चे फल का रस 40 से 80 मिलीमीटर तक अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपका मल बड़ी आसानी से आता है। तो हम आपको आज बता रहे थे कि कितना फायदेमंद है अगर आपको पेशाब में जलन की शिकायत है, तो अनानास का रस शरबत पीने से पेशाब में जलन की जो विकृति है वो खत्म हो जाती है। आपको अगर एलर्जी है तो अनानास का रस एलर्जी वाले स्थान पर लगाने से और उसको पीने से भी आपको फायदा मिलता है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह कि हार्ट रोग के रोगियों के लिए अनानास में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि उसके रस के अंदर कि जो पाचक रस एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, इसके नियमित सेवन से हृदय रोग से आपको मुक्ति मिलती है। इसका अमलीय गुण शरीर में बनने वाले अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल देता है और शारीरिक शक्ति को बढ़िया बनाता है। एक कप अनानास का रस रोजाना पीने से दिल की बीमारी से निजात मिलता है। अगर आपके टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स की समस्या बहुत बड़ी है, तो आपको अनानास का जूस गर्म करके पीना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमने आपको बताया कि कितना फायदेमंद है अनानास का जूस। आप इसका सेवन करें, आनंद से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने अपने धर्म का पालन करते रहें। आज जो हमने आपको जानकारी दी है, अनानास दिल के लिए, पेशाब रुकने के लिए, मतलब किन किन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने डिटेल्स में अंदर बताया, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके लाभ के बारे में पता रहेगा। और फिर एक चेतावनी तो मैं अवश्य देता हूं कि अगर आपको चाहे तो आप अपने चिकित्सक से या अपने वैद्य से आप परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टिप्पणियों का तो आपके इंतजार रहता ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।